अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ये है विंजर का इलाका और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये मलका का दूसरा महल है। और इधर जो है आज सुबह अमेरिका का प्रेसिडेंट उससे मुलाकात करने के लिए आया था जो G7 का यहाँ पे हो रहा है उससे ही रिलेटेड। और कल क्वीन की जो थी वो बर्थडे थी 90th। और आज जो है देखें यहाँ पे बहुत रश है, एक तो ये कि आज संडे है और दूसरा ये कि काफ़ी ज़्यादा बेटर जो है वो वेदर है, सनी और बड़ा ही समर का बड़ा प्यारा सा दिन है, तो इसलिए जो हैं वो लोग बहुत ज़्यादा जो हैं वो इधर आए हुए हैं। और ये जो बीच में आपको स्टैचू नज़र आ रहा है ये क्वीन विक्टोरिया का है जो कि क्वीन एलिजाबेथ की ग्रैंड मदर थी, ये उसका स्टैचू है। ये सारा बहुत ही खूबसूरत इनका सारा आर्किटेक्चर है, बहुत ही प्यारा प्योर इंग्लिश। और रौनक बहुत है क्योंकि लॉकडाउन जो है वो काफ़ी दिनों बाद जो है वो खुला है और ऊपर से समर है, सर्दी शुक्र है कम हो गई है, तो लोग जो है ना वो समर को एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेवनीर्स शॉप हैं क्योंकि ये बड़ा मेन टूरिस्ट एरिया है, तो इधर बहुत ज़्यादा जो हैं वो सेवनीर्स शॉप हैं। आज सही जो है ना लोग समर को एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखें ये आइसक्रीम शॉप्स पे और उन पे इतना रश है बहुत ज़्यादा। ये इसका जो है वो कैनाल व्यू है। ये रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी खूब रौनक है बहुत ज़्यादा, सब लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, कोई लंच वगैरह कर रहे हैं, चाय कॉफ़ी। यहाँ पे जो है वो बोट ट्रिप्स होती हैं विंजर जो है उसमें, और ये यहाँ पे ये बोट्स खड़ी हुई हैं, ये दो बोट्स हैं और अभी बस हम टिकट बाय कर रहे हैं। और ये जो बोट है अभी ये जाने लगी है, नेक्स्ट बोट में हम लोग जाएंगे। 40 मिनट्स का ये राइड है। अभी हम लोग आ गए हैं बोट में और ये है इसका व्यू। अभी ये बस तकरीबन 10 मिनट्स में जो है इसका डिपार्चर है, चलेगी ये और 40 मिनट्स का इसका राइड है, 40 मिनट्स का। तो मैंने कहा मैं आपको इसकी एक क्विक लुक दिखा दूं और उसके बाद जो है वो ये बोट ये वापस आई है अभी अपना पूरा करके राइड। बहुत रौनक है आज विंजर में, बहुत ज़्यादा रौनक है, बहुत ज़्यादा लोग इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे यही होता है कि जो सनी डे होता है ना वो ब्लेसिंग होता है और समर भी जो है वो ब्लेसिंग है यहाँ पर। Let's go.
लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये देखें ये देखें जरा। चलने लगी है and they cannot be used during the final 10 minutes of this cruise. Hamari ride jo hai wo start ho gayi hai. If you are accompanying small children, please keep it loud. Iski history, everything wo jo hai wo saath saath bata rahe hain. Jaise hamesha tourist jab bhi kahin hum jaate hain, koi bhi trips pe, to wo saath saath zarur batate hain yahan pe, balki har jagah hi aise hota hai. वो सारी इसकी हिस्ट्री, क्या किस तरह इसको हैंडल करते हैं, क्या सब कुछ इसके बारे में जो है वो मालूमात दे रहे हैं। This is a memorial to its designer, Sidney Cab, whose former home stands a few hundred yards beyond. This plane bears the markings of one flown in the Battle of Britain by squadron leader John Grandy, who is constable and governor of Windsor Castle. While on the opposite bank to our right is Eton, and some of the Eton College boathouses lie at the waterfront. और ये यहाँ पे जो है वो दूसरी बोट्स हैं, जो छोटी बोट्स हैं, ये येलो कलर की, ये वाली बोट्स भी आप ये खुद ड्राइव करने वाली हैं, ये वाली बोट्स भी आप इन पे भी राइड ले सकते हैं, बट इनको खुद ड्राइव करना है। This would lead eventually to Oxford and beyond, though to reach Oxford would take approximately 2 days by river from here. This is mainly due to the 23 lots. The town of some notoriety. The wartime poet John Betjeman penned the famous line, "Come friendly bombs and fall." In 2012, as part of the London Olympic Games, as it is on what was known as the Windsor Games Walk, leading to Dorney Lake about 2 miles upstream. The venue hosted the rowing and canoe sprint events. Painted by Ipswich, the Thames takes a very meandering course. But all in all, it's not the place to be if you're in too much of a hurry. यहाँ पे लोग बारबेक्यू वगैरह भी करते हैं और मुख्तलिफ जो फुटबॉल वगैरह, गेम्स वगैरह जो भी हैं वो यहाँ पे होती हैं। और अब हम जो है वापसी की तरफ हमारा जो है वो बोट जो है जा रही है बस वापस, और ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का जाना और 20 मिनट्स आना, 40 मिनट्स की ये राइड है, बट बहुत मज़ा है। आप अगर विंडसर आए यहाँ पे तो ज़रूर ये राइड लें और होपफुली आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। और आजकल वेदर इतना खूबसूरत है, और ये मैं आपको बीच में एक चीज़ दिखाऊं कि ये बीच में आपको अगर मैं जूम करके दिखा रही हूँ, ये मलका का महल भी देखें, ये बीच में नज़र आ रहा है, विंडसर का जो कासल है वो भी बीच में नज़र आ रहा है, और ये हर तरफ हर एंगल से नज़र आता है विंडसर के एरिया में, क्योंकि ज़ाहिर है ये इतना बड़ा है तो ये हर जगह से नज़र आता है। ये बारबेक्यू भी हो रहा है, और ये देखिए ये विंडसर कैसल जो है इतना सामने से करीब आ गया बिल्कुल क्वीन का, और ये लोग स्टिल इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे वैसे स्विमिंग की इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पानी में घुसे हुए हैं। ये स्विमिंग के लिए पानी नहीं है क्योंकि इसमें डक्स वगैरह होती हैं और बर्ड्स सारे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जो हैं यहाँ घुस जाते हैं। इसे जगह जगह उन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि ये स्विमिंग अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो लोग, और ये देखिए डक्स कितनी ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठी हुई है एक जगह पे। Using cast iron on buttresses of granite, and it was completed in 1824. The Windsor Corporation used to charge tolls for crossing. और ये वही हाउस बोट्स हैं सारी जो कि मेरे घर के नीचे से गुजरती हैं। कि इसमें ये देखिए ऊपर उन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, चेयर्स नजर आ रही हैं, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, और ये उनके रूम्स की विंडोज हैं प्रॉपर
और ऊपर गार्डनिंग भी की होती है उन्होंने, फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं और ऊपर साइकिल, एंटेना, एवरीथिंग, उनकी हर चीज़ जो है वो इधर है। तो ये पूरा घर है उनका, ये मेरे घर के नीचे से जो किनाल है उधर से गुजरते रहते हैं। तो अभी मैं आपको ये करीब से दिखा रही हूँ और ये बहुत इंजॉय करते हैं सनी वेदर को, समर को, यूरोप की जो समर है, ब्रिटिश समर, वो वाकई बहुत ही खूबसूरत होती है और असल घूमने का टाइम यहाँ पे यही है समर का, क्योंकि विंटर में जो है वो ऐसा कुछ नहीं होता और ये ज़्यादातर तो ये ज़्यादातर चीज़ें बंद ही हो जाती हैं। और बस अब हम लोग वापस जा रहे हैं तकरीबन 3-4 मिनट तक अपनी डेस्टिनेशन पे और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिप था, बहुत इन्जॉय किया, बहुत कूल एंड काम, बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा लगा। वेदर बहुत अच्छा है इसलिए बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, अगर ठंड होती ठंडी हवा तो फिर नहीं करना था इन्जॉय। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, ये ब्लॉग बस यहीं तक, इंशाल्लाह इजाज़त दें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।